तो कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हार्दिक के मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विनय शर्मा और आज जैसे देख पा रहे हैं ये मेरा स्टडी टेबल है। आप लोग इसे डाइनिंग टेबल में भी यूज ले सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको कितना प्राइस पड़ेगा और कितना कॉस्ट पड़ेगा। और जो ये देख पा रहे हैं जिस हिसाब से मेरा रिक्वायरमेंट था उसी हिसाब से मैंने ये टेबल को बनाया है। तो टेबल की जो लंबाई है देखेंगे, सॉरी लंबाई जो है आपका 40 इंच है, एमएम में जाएंगे तो 1010 एमएम है। वही चौड़ाई में बात करूं तो 2700 है, 27 इंच का है। और इसकी यहाँ से यहाँ एमएम में जाएंगे तो 690 इंच का है। पे ये मेरा टॉप है और नीचे में आएंगे वहां से लेके यहाँ तक आपका 24 इंच है, एमएम में जाएंगे तो 600 एमएम है। और यही इसकी लेंथ में देखेंगे तो ये 36 इंच है, एमएम में जाएंगे तो 915 एमएम है। वहीं पे मैं आपको खोल के दिखा दूं। इसका डीप देखेंगे तो 21 इंच 4 सूता है, एमएम में जाएंगे तो 700 एमएम है। और इसकी जो हाइट है वो 34 इंच है, एमएम में जाएंगे तो 860 एमएम है। तो इसका जो जैसे मैंने आपको बताया है जो जिस हिसाब से मतलब पार्टी का एक रिक्वायरमेंट था उस हिसाब से मैंने काम किया है। यहाँ पे देख पा रहे कोई लेमिनेट नहीं है, जिस हिसाब से उन्होंने मांगा था उस हिसाब से मैंने बनाया है। और यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो हैंडल है इस टाइप से यहाँ पे लगेगा। ये टॉप देखेंगे तो काफ़ी सुंदर है। और जो इसका टोटल अमाउंट बैठेगा फिलहाल ये मेरा 7000 का है और नेमनेट उमनेट लगा के जाएंगे तो 10000 से ऊपर आपका चला जाएगा। आप इसे स्टडी टेबल के लिए बनाया गया है, आप इसे डाइनिंग टेबल में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं दो पल्ला है और चारों तरफ मैं दिखा दूँ तो इस तरफ भी मेरा पैक है, इधर कोई नेमनेट नहीं है। जिस हिसाब से मैंने आपको बताया रिक्वायरमेंट था उसी हिसाब से मैंने काम किया है। और ये बैक है, उधर से रीडिंग होगा जो पढ़ाई बोलते हैं आप लोग। और बहुत सारे स्टडी टेबल मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए होता है और ईटिंग डाइनिंग टेबल मतलब जानते ही आप लोग कि खाना खाने के लिए भी। तो यहीं पे मैं आपको हैंडल लगा के दिखा रहा हूँ। यहाँ से मैंने 5 इंच लिया है और यहाँ से मैंने 1.5 इंच लिया है जो कि कंपलसरी है हैंडल लगाने के लिए। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। ये जो मेरा हैंडल है ये 4 इंच का हैंडल है। और यहीं पे आपको मैंने पहले से एक मार्किंग किया था 5 इंच और 1.5 इंच और इस हिसाब से आपको इस हिसाब से आप कर सकते हैं। और यहीं पे देखेंगे मैंने पहले से एक मार्किंग किया है 5 इंच का जैसे मैंने बताया है। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट आप देख पा रहे हैं ये मेरा हैंडल लग चुका है और पीछे में ये टावर बोल्ट है तो इसको भी इस प्रकार से लगा सकते हैं। पीछे में मेरा स्टॉप करते हैं। तो जैसे कि मैंने दिखाया आपको ये दो हैंडल है और यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरा लॉक है, इस प्रकार से आप लॉक कर सकते हैं। लॉक करने से पहले आपको टावर बोल्ट लगाना पड़ता है। तो इस प्रकार से लॉक हो गया मेरा। तो आपको ये टेबल कैसा लगा आप जरूर बताएं और आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। स्टडी टेबल कैसा लगा आप जरूर बताएं और आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाइए हमारा।